1000 से अधिक लोगों की भीड़ ने राम भक्तों पर अटैक किया था। हेलो दोस्तों, राम राम। गोधरा कांड जो मूवी है ना, वो वैसे तो 12 जुलाई को आएगी, पर इस पे एक छोटी सी वॉइस क्लिप आई है जो इंस्टाग्राम पे शेयर की गई है। तो पहले वो वॉइस क्लिप है ना, उसको सुन ले। एक्सीडेंट ऑफ 2002 को एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को दहला दिया। एक सवाल जो सबके जहन में आज भी है, वाज इट एन एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी? घटना के बाद नानावटी मेहता कमीशन के मुताबिक 1000 से अधिक लोगों की भीड़ ने राम भक्तों पर अटैक किया था। बट ऑपरेशन और रूल्स और रिपोर्ट की टाइमिंग और इलेक्शन के समय पर सवाल उठाए गए। लालू प्रसाद यादव के अंतर्गत यूसी बनर्जी समिति एक अलग ही पहलू को सामने लाई। 9 साल की लीगल बैटल के बाद फरवरी 2011 को फाइनल वर्डिक्ट पेश किया गया। कोर्ट ने तो वर्डिक्ट दे दिया था, लेकिन लोगों को क्लोजर आज भी नहीं मिला है। फाइनल वर्डिक्ट आने के बाद भी दरार बरकरार है। वाज इट एन एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी? द क्वेश्चन गोज थ्रू द कॉरिडोर ऑफ टाइम अनएंसर्ड। द इंडियन Find out the truth. Watch the film. Accident or conspiracy? Godhra. सरदार केलकर दास की आवाज थी, जिस आवाज में सिर्फ इतना दिखाया गया, टीजर था, वॉइस टीजर था। इसमें दिखाया गया कि वो बोल रहे थे कि 27 फरवरी 2002 को एक ऐसा नरसंहार हुआ था ना ट्रेन में, जिसमें 59 लोग मारे गए थे। और फिर इसका केस चला। उस टाइम हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और गुजरात दंगे फैल गए। उसका कोई और छोर नहीं हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। इसके विपक्ष में नानावती मेहता कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 1000 भक्तों का भी हुआ था, राम भक्त थे। इसे बहुत कुछ ऐसा दिखाया गया ना, जिसको देखकर हम कभी नहीं भूल सकते। वो एक ऐसा दिन था ना, वो एक ऐसा समय था ना, उसमें 60 लोग मारे गए थे। बच्चे, बूढ़े, जवान, सब एक दूसरे से अपने परिवार से साथ कोई घूमने जा रहा था, कोई मिलने जा रहा था। ये 27 फरवरी 2000 ना है, पर एक सच घटना है, क्योंकि 2011 में इसका फैसला हुआ, ऐसा इस वॉइस में दिखाया जा रहा है। इसमें ये एक ऐसी दुखद घटना है जिसको कोई भी नहीं भूल सकता। उस टाइम लालू प्रसाद यादव ने जो भी अपनी रिपोर्ट में लिखा, उसके मुताबिक 9 साल बाद फैसला तो हो गया, पर क्या फैसला हुआ, कैसा फैसला आया, जनता संतुष्ट हुई या नहीं हुई? उस टाइम जो भी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया इस इतने बड़े कांड के लिए? तो ये जो वॉइस है ना, ये बहुत अच्छी है। इसको आप ध्यान से सुनेंगे ना, तो आपको बहुत दर्द होगा। पर मूवी 12 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। मूवी बहुत दर्दनाक होगी और सत्य घटना पर आधारित होगी। इसमें बिल्कुल सच सच दिखाया जाएगा। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वॉइस टीजर आपको कैसा लगा। हमें बहुत दोबारा लगा। बने रहिए हमारे साथ। रिएक्शन वाले इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर से जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।